इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की आज दो जनसभाएं हैं। अमित शाह झारग्राम और रानीबंध में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। शाह की रणनीति रैलियों और जनसभाओं में उमड़ने वाली इसी भीड़ को वोट बैंक में बदलने की है। मुझे लगता है हमारे परिवर्तन के नारे का असर हुआ है, मगर परिवर्तन बहुत लेट है। यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में गृह मंत्री अमित शाह का ये कॉन्फिडेंस सिर्फ रोड शो में उमड़े इस जन सैलाब की वजह से नहीं है, इसके पीछे है उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी और मोदी सरकार की जन जन तक पहुंचने वाली योजनाओं का भरोसा। इसी भरोसे के दम पर बीजेपी ने बंगाल की जमीन पर कमल खिलाने की स्क्रिप्ट लिखी है और अमित शाह बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। सर, जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही, वो परिवर्तन आपको दिख रहा है? निश्चित रूप से, मैं 3-3.5 घंटा लेट हूँ, फिर भी पूरे खड़गपुर के रोड पर देखिए, घर में कोई नहीं है, सारा खड़गपुर आज रोड पर उमड़ पड़ा है। वो ही बताता है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ममता बनर्जी भी मंदिर मंदिर जा रही है, क्या ये मंदिर की राजनीति शुरू हो गई है बंगाल में, या बीजेपी के पिच पे आके टीएमसी खेल रही है? मुझे लगता है हमारे परिवर्तन के नारे का असर हुआ है, मगर परिवर्तन बहुत लेट है। कितनी सीटें सर आप सोच रहे हैं इस बार, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी? 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। सर, ये मुकाबला 3 सीट से 200 सीट का देख रहे हैं, जो 2019 में मिली थी 18 सीटें, उससे 200 सीट का देख रहे हैं? देखिए, चुनाव एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट आधी सीटें हम जीते हैं। मुझे भरोसा है इस बार 200 सीटों के साथ हम। वेस्ट मिदनापुर की खड़गपुर सदर सीट पर रविवार को अमित शाह ने रोड शो किया। अब 20 मार्च को यहां पीएम मोदी की रैली होगी। पहले अमित शाह ने जमीन तैयार कर दी। अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के झारग्राम में है। वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आज से बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू सम्मान यात्रा झारग्राम से शुरू करेंगे। आज अमित शाह बंगाल में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। झारग्राम में 11 बजे उनकी जनसभा है, इसके बाद रानीबंध में अमित शाह 1 बजे जनसभा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। बंगाल जीतने के लिए पीएम मोदी की स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है। बंगाल के रण क्षेत्र में कोई ढिलाई नहीं, 100% एनर्जी के साथ लड़ेंगे मोदी। मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की चुनाव मशीनरी का फुल फोर्स लगाने का डिसीजन लिया है। टीएमसी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी की तरफ से विनिंग कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हों, या फिर फिल्म स्टार। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से, लॉकेट चटर्जी चुनचुड़ा से, स्वपन दासगुप्ता तारकेश्वर से और निशीथ प्रमाणिक दीनहाता से। बीजेपी ने 4-4 सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारकर साफ संदेश दिया है कि जहां जो जीतने वाला होगा उसी को ही टिकट मिलेगा। जीत का माहौल बनाकर चुनाव कैसे जीता जाता है, पीएम मोदी कई चुनाव में ये साबित कर चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर ये सियासी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, इसे देखने के लिए आप बंगाल की जनता को सुनिए। ममता बनर्जी जो कर रहे हैं आज, वो जिस तरीके से जय श्री राम बोल रहे हैं उनके थ्रू में उनको गाली लग रहे हैं और कुछ अलग तरीके की भाषा बोल रहे हो, तो इस बार तो बीजेपी आना एकदम जरूरी है। चुनाव के बारे में तो पूछा जाए तो अभी किसी तरफ में बोल नहीं सक रहा, लेकिन टक्कर बराबर का है। बंगाल की लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर कांटे की है। एक एक सीट की मार्किंग हो रही है, हर सीट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जमीन पर जिसकी स्ट्रेटजी कारगर होगी, खेला वही करेगा। झारग्राम से अर्चना सिंह की रिपोर्ट।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।